सुबह का टाइम है, 6 बज गए और जस्ट अभी आँख खुली है। आप रेडी है पूरा ब्रश करके एकदम फुल क्लास? मैं अभी जा रही हूँ ब्रश वश करके, आते हैं अपने नींद आ रही है बहुत तेज हो रही। अगर आप कहीं और जाके सोते ना, सही नींद आती, पूरी रात नींद ना आई मेरे को तो। करवट ही ना बदली गई कुछ तो, कपड़े में कंफर्ट नहीं थी, निकर पहने बिना नींद नहीं आती। तो गाइस मैं अभी ब्रश करके आ चुकी हूँ और अभी हम आराम से ऐसे लेटे हुए हैं और बाहर का नज़ारा ले रहे हैं हम दोनों ही। अभी तो कोई ट्रेन जा रही है, जब ये चली जाएगी फिर दिखाते हो। ये देखो यार कुछ बाहर का मौसम ऐसा 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 है, ग्रीन ग्रीन सा, शीशा साफ नहीं है थोड़ा, धुंध जमी हुई है, ऐसा ही देखना थोड़ा। ये हमें ट्रेन में मिले हमारे पड़ोसी, ये मथुरा से। हेलो आंटी। हेलो बेटा, अच्छे। ये मथुरा से हैं, ये इनके बेटे गौरव, इनके गौरव हैं। हाँ ये इनके गौरव है। रात भर हमने बहुत बातें बातें करी, फिर सो गए। अभी सुबह हमारा चल रहा है कॉफी टाइम। यहाँ पे 2 टी लवर है, मोहित और आंटी, और हम तीनों कॉफी लवर। साथ में वेदर का एंजॉय ले रहे हैं, पूरी ग्रीनरी। तो गाइस हमारा स्टेशन आ गया है और अभी हम उतरने वाले हैं, और अब हम हमें जो मिले थे हमारे पड़ोसियों से भी बाय बाय बोलने वाले हैं। बाय आंटी। बाय। किधर से? इधर से गए हैं ना, इधर से हैं। शूज इधर की साइड थे। हम गए हैं उत्तर। चल चल चल, लो पंगा ये उत्तर रहे हैं। अंदर रह जाए, कैमरा मैन भी बनना जरूरी है। ये देखो यहाँ का क्राउड कैसा सा है, कितना भीड़ हो रखी है ना यहाँ पे, ये देखिए। और हमें इनको फॉलो करना है, इनका फैशन देखिए, ये कह रहे हैं मुझे फॉलो करो। यहाँ पे बैठी हुई थी आंटी, बाय आंटी। और बाहर निकल के नज़ारा कुछ ऐसा सा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ऐसे वाले रोड पे हम आ चुके हैं, ये होटल है कोई, देखते हैं शायद यहाँ पता करेंगे मिच्ची, क्योंकि हमने सर्च कर लिया था कि निकलते ही होटल शो कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्योंकि वॉकिंग मेरे ख्याल से अभी हमें 2-3 मिनट हुए चलते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आई थिंक ये यहीं पे पता करने वाले हैं। वेदर तो आप देख ही रहे हो ना, बहुत ही वैसा है, लाइक क्या बोलते उसको, बारिश वाला। ये देखो पूरा बारिश हो रखी है और अभी हमने होटल में एंट्री कर लिया है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं रूम में, अभी सिर्फ हम लोग फटाफट से नहा के और निकलते हैं। रेस्ट तो रात में हो ही चुका है, जितनी नींद आनी थी आ चुकी है, अब बस फटाफट से रेडी। गाइस हम लोग रेडी होकर नीचे आ गए हैं और ये देखो बारिश बिल्कुल रोकने का नाम नहीं ले रही। और ये मैं हूँ और ये माई डियर हस्बैंड है, और हम दोनों रेडी होके आ चुके हैं नीचे। और आज आप लोगों ने क्या नोटिस किया होगा कि मैंने इयर रिंग्स भी डाले हैं, ये कभी डालते नहीं ना।
बहुत कम डालती हूँ, मतलब मेरे ना ऐसे कान दुखने लग जाते हैं इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। टाइम कितना हुआ और बताना हम कितने बजे? राइट, 9 बज गए हैं और हम सोच रहे थे कहीं पे ब्रेकफास्ट कर लें बाहर जाके थोड़ा घूमें, क्योंकि होटल में तो हम हर जगह कर ही लेते हैं, तो हम बाहर जाने की सोच रहे थे। मैं सोच रही थी पैदल पैदल जाएंगे मिर्ची, पर पैदल का कुछ रास्ता लग नहीं रहा है ना, चलेंगे तो छम छम में। तो गाइस टाइम हो गया 9:30 और हम तीनों आ गए, और हमें पता नहीं था यहाँ पे लेट मार्केट खुलती है, तो हमने सोचा होटल का करने से बेटर है कहीं बाहर घूमेंगे देखेंगे। बारिश हो रही थी और मतलब वो जो किच वाला मौसम होता है ना, वैसा वाला वेदर हो रखा है यहाँ पे। ये टाइम देख के वो लोग बनाते पूरे साढ़े हो गए। हाँ, और अब ऑर्डर कराया है सुबह सुबह छोले भटूरे, क्योंकि कुछ भी ओपन नहीं है, होटल वगैरह भी 11 बजे बोल रहे हैं, तो एक दो जो ओपन है वहीं पे आए हैं, वहीं पे खा रहे। तो जी ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये देखिए छोले भटूरे, ये मोहित की प्लेट निपटा दिए हमने। बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं कहूँगी मैं, पर ठीक है कुछ और नहीं मिल रहा था तो एटलीस्ट ये मिल गया, हमारा नाश्ता जो है कम्प्लीट हो गया। अभी यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे हम मोहित के लिए लहंगा देखने आए थे, यानी कि मोहित की होने वाले के लिए, फिर कमेंट आएंगे कि इसकी ये है वो है। तो अब ये यहाँ से निकल रहे हैं, यहीं पे बिजी थे, और खाने में तो दिखाया था हमने क्या खाया, हमने छोले बहुत ही वाहियात वाले छोले भटूरे खाए। अब निकल रहे हैं यहाँ से। आप लोगों को ना यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही होगी, ये देखिए कैसे बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, जैसे स्नो गिरती है ना ऐसे बारिश हो रही है यहाँ पे। तो गाइस मोहित की होने वाली इन फ्यूचर वाइफ लहंगा देख रहे थे हम, हमें लहंगा समझ में नहीं आया। मोहित कह रहा है वो पिस्टल था महंगा, तेरा लहंगा लाऊंगा। बट अभी घूमने जैसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ओला बुक कर रहे थे, ओला बुक नहीं हो रही थी, बार बार कैंसिल हो जा रही थी, तो हमने किया है अपना ऑल टाइम फेवरेट रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ये देखो भाई रास्ता कैसा है, रास्ता थोड़ा वैसा सा लग रहा है मुझे, है ना,